शुरू शुरू। नमस्कार दोस्तों, लोकसो टाइम चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं शिल्प ग्राम उदयपुर में। ये राजस्थान की ग्रामीण पृष्ठभूमि को झलकाते हुए ये यहाँ पर उन्होंने बना रखा है सिस्टम सही। यहाँ पर शिल्प ग्राम आने के लिए राजस्थान से ये सिटी प्लेस से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 55 रुपये टिकट है इंडियन के लिए और फॉरनर के लिए 120 रुपये। चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर टिकट है 30 रुपये। और हमने टिकट ले लिया, अब दिखाते हैं आपको शिल्प ग्राम। आप हमारे साथ ये 11 से 7:30 तक खुलता है। देखो भाई, हाँ सर, अभी कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं यहाँ देखने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा जी। एक तो ये गुजरात का प्रोग्राम यहाँ पर है, आगे राजस्थान के फेमस फोक सिंगर से लंगा। अच्छा जी। म्यूजिशियन से वाय वे, उनके प्रस्तुति है। अच्छा जी। यहाँ चार कल्चर है। अच्छा जी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। अच्छा जी। जो धीरे धीरे अपना कल्चर खत्म हो रहा है, तो सरकार चाहती है अपना कल्चर जिंदा कैसे रहेगा, क्यों अपन उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। जी। तो सरकार ने ये गाँव बनाए अपनी आर्ट, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, सब है ना, एक्सपोज करने के लिए। जी। तो ये जितने भी कलाकार हैं सारे रियल ऑथेंटिक हैं। और उसके अलावा सर, यहाँ पे जो हट्स बनी हुई सारे रियल ऑथेंटिक बना रखी है, वहीं का मटेरियल, वहीं का मेजरमेंट। किसमें नेचुरल मिट्टी का फ्रिज है, किसमें कांच की झोंपड़ियाँ हैं, किसमें टेराकोटा म्यूजियम है, और साथ में कुछ हैंडीक्राफ्ट के आर्टिस्ट लोग हैं सर, क्राफ्ट आर्टिजन, जो अपनी क्राफ्ट का डेमो देते हैं, यहाँ पे चीज़ों को सेल करते हैं। कब से शुरू किया सर? 8 फरवरी 1989, 35 ईयर्स अगो, एनोग्रेटेड बाई द राजीव गांधी, वो खुद आए थे। शिल्प ग्रामीण पृष्ठभूमि को दिखा रहे हैं। हाँ, अपने ग्रामीण जीवन को दिखा रहे हैं सर, क्योंकि आज भी अपना देश गांव का देश है, अपन बोलते ही हैं। आज भी अपनी ज़्यादातर पॉपुलेशन गांव में रहती है, और गांव की जो संस्कृति आज पूरी दुनिया जानती है, और ये अपनी पहचान है सर। तो अपन ये चाहेंगे भाई, अपने बच्चे नेक्स्ट जो आने वाले हैं, जैसे वो छोटा बच्चा जा रहा है, तो कभी है ना बुक्स में नहीं पड़ेगा, हिस्ट्री में नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे गाँव की। हाँ, वो भी कहेगा जिंदा भाई, वो ग्रामीण संस्कृति को जीवित रखने के लिए ही बना रखा है। बना रखा है शिल्प ग्राम। तो यहाँ गाँव के जो आर्टिस्ट होते हैं जुड़े हुए, उनको ही बुलाया जाता है, कमर्शियल आर्टिस्ट को नहीं बुलाया जाता है। अच्छा, मान लो किसी ने किसी गांव का है ना फोक डांस देख लिया और सीख गया। अच्छा। उसको गवर्नमेंट नहीं बुलाएगी, जिसका है उसको ही बुलाएगी। वाह जी, वाह। ताकि उसके आने वाले जो पीढ़ी है ना, वो क्या सोचे कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सरकार की सपोर्ट से, तो हम भी जाएंगे, उस चीज को अवॉइड नहीं करेंगे। तो अपनी जड़ तो वही है सर, जड़ों को सलामत रखना चाहिए। अच्छा, 1/2 किलोमीटर का राउंड है सर, है ना सर। फर्स्ट तो मैं सर यहाँ पे इन्फॉर्म हो रहा हूँ, एक जानकार। देखो भाई, इसका उद्घाटन शिल्प ग्राम का माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 8 फरवरी 1989 को किया था। इसमें पूरा लिखा हुआ है, चलो दिखाते हैं आगे। फिर ये पीने का पानी, इधर देखो कलाकार बैठे हैं, इधर ये कलाकार नहीं आ रही है, और ये प्राचीन जो अपनी वीणा वीणा आरते बजा रहे वो चीज़ें हैं। देखो ये अपना देसी से ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेज जना रही हैं, और यहाँ अपनी माखियाँ टाण लग रही हैं। अरे देखो भाई, ये बिचोड़े बिटाड़े पुरानी पुराणी के जो थे ऐसी चीज़ें। अरे दिखाते हैं आपको, ये यहाँ का कल्चरल एक्टिविटी है। ये राजस्थानी कल्चर एक्टिविटी है, दिखा रहे इसके अंदर। ये पुरानी बैलगाड़ी आ रही है, देखो कितनी बड़ी गाड़ी आ रही, गाड़ी देखी, लेकिन इस तरह गाड़ियाँ देखी हुई, अपने हर जगह देखी हुई गाड़ियाँ। दिखाते हैं आपको, मान झालावाड़ का है, देखो इतनी बड़ी गाड़ी ये देखी हुई भाई, किसी ने 2 मंजिली गाड़ी है, मंजिल एक है ऊपर है, देखो कितनी बड़ी गाड़ी है। शिल्प ग्राम में तबीयत खुश हो गई भाई देख के। देखो भाई, प्राचीन घर आ गया, इसमें आपने दिखाते हैं,
ये इसका बनाए रखा है। अभी तरह देखो जो लकड़ी दुकड़िया बनाए रखा सारा ही जितनी अपने कलाकारी बिल्कुल देसी देख बना ब्रेक लाइफ शिल्प टेक अर्ध प्राचीन इस तरह के मकान देख सको सारे राजस्थानी कल्चर को दिखाते हैं पुराने मटके मटके। और देखो दिखा रखे शिल्प ग्राम में आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा देता हूँ। ये भी राजस्थानी ये पुराने पुराने देखो भाई देखते रहना वीडियो को तभी खुश हो जाएगी आपकी जमा एक तो एक अंधी चीज़ याद मिलेंगे आपने क्योंकि आपने टॉयलेट देखे हो दोस्तों लेडीज जेंट्स बढ़िया बढ़िया टाइल ला दें बढ़िया बढ़िया पत्थर करते हुए हर्चा ला दें ये लेडीज टॉयलेट्स और जेंट्स टॉयलेट्स ये भी मिट्टी के बना रखे हैं देसी गाँव में जो हार दे सूसू वूसू करना उसने थोड़ा तो पत्थर ला दिया पानी देना से बाकी बाहर तो मिट्टी का दिखा रखा देखो दोस्तों ये बना रखा है ग्रामीण कलाकार जो है ना रंगमंच है मुक्ता काशी रंगमंच ये जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो कलाकार हैं वो उनकी प्रतिभा निखारने के लिए यहाँ ये रंगमंच बना रखा है। यहाँ ऑडियंस बैठते हैं यहाँ कलाकार अपने परफॉर्मेंस देते हैं ये उसके लिए बना गया कलाकार यहाँ अपना जो भी परफॉर्मेंस पेश करते हैं और उधर ऑडियंस सुनते हैं उनके लिए बढ़िया बना रखा है। ये उत्सव चलता है दिखा रखा था वहाँ डेट बढ़ रही थी उस दौरान यहाँ कलाकारों अपनी प्रस्तुति करते जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको ये जो खपरैल घर होते थे ना वो दिखा दिया उन्होंने खपरैल घर को जो खपरैल से बनाते हैं। देखिए यार कितने सुंदर फूल हैं तबीयत बाग बाग हो गई देखिए फूल देख के ये लग रखा है कि पिक्चर पार्क यहाँ से ऊपर है और ये है ये कलाकारों द्वारा बनाई गई पत्थर की कुछ मूर्तियां रखी है मूर्ति कला पार्क है मूर्ति कला पार्क में रखी और ऐसे सीधे कर दो यहाँ रुई की बत्ती लगाओ दीपक जलता रहेगा अभी कम ज्यादा करना तो ऐसे आगे से दीपक जला रही है इस तरह दीपक जलता बताती है देखो आप देखो कहने लगे फूंक मारो आप मारो फूंक आप मारो तो बजाते ही आप देखो तो करी नहीं क्या यहाँ से फूंक मारनी पड़ेगी आवाज आई वैसे तो हाँ ये आएगा इसी आवाज क्या बिछेंगे यहाँ 50 या विशल से गणेश की प्रतिमा बना रखी मिट्टी की बहुत बढ़िया और ये बना रखी और कलाकारों एक से एक बढ़िया कलाकार हैं दुनिया में ग्रामीण पृष्ठभूमि में बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं लेकिन उनको ना थोड़ी तवज्जो दी जाओ ना इस तरह कार्यक्रमों में। देखो दोस्तों